हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शेयर्स एंड डिविडेंड्स का टॉपिक पढ़ेंगे जो क्लास टेंथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है। इसमें बस समझने की ज़रूरत होती है टर्म्स को, शेयर्स क्या बताता है, डिविडेंड्स क्या बताते हैं। तो हम लोग चलिए पहले जानते हैं शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स जैसे कोई कोई इंसान है, वो एक कंपनी ओपन करता है, एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम आप ले लीजिए, एक्स वाई जेड। अब उसको कुछ लार्ज अमाउंट की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक कंपनी को चला सके, शुरू कर सके। तो उसके साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं, ए पर्सन कनेक्ट हुआ, बी पर्सन कनेक्ट हुआ, सी पर्सन कनेक्ट हुआ, जो उसको कुछ पैसे देते हैं कि वो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करे, उसके साथ आ जाते हैं। और जब उसके पास, मान लीजिए उसको कंपनी को चाहिए 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपीज़ चाहिए, ए ने उसको 1 लाख दे दिया, बी ने 1 लाख दे दिया, इसी तरह करके कुछ कुछ अमाउंट सब लोग दे रहे हैं, तो उसके पास टोटल करके 10 लाख रुपए हो गया और उसने अपनी कंपनी शुरू कर दी। अब ये जो नए लोग जुड़े हैं उस कंपनी में, ए बी सी नाम के जो पर्सन जुड़े हुए हैं, उनका भी हिस्सा हो गया कंपनी में, क्योंकि उन्होंने भी अपना पैसा लगाया है। तो क्या होता है कि जो ये पैसे दिए हुए हैं, इनको हम एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो कंपनी तय करती है कि उसको कैसे डिवाइड करना है, उसको कैसे वैल्यू देनी है, उन छोटे छोटे पार्ट्स में कुछ भी दे सकते हैं। और इन्हीं छोटे पार्ट्स को ही हम शेयर्स बोलते हैं, और जिनकी वैल्यू हम इनिशियली फिक्स कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी रुपीज़, 1 रुपी का शेयर हो गया, 2 रुपी का शेयर हो गया, 100 रुपी का शेयर हो गया, सब कंपनी अपने अपने हिसाब से शेयर का प्राइस सेट करती है। तो आपको समझ में आया कि शेयर्स क्या होते हैं। तो और इनकी वैल्यू फिक्स होती है, जो शेयर के प्राइस होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू ऑब्लिक फेस वैल्यू और फिर ओरिजिनल वैल्यू। और जो लोग शेयर्स खरीदते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स, जिन्होंने शेयर्स, पर्सन हु परचेजेस द शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू होती है, ये हमारी फिक्स्ड होती है, ये चेंज डजंट चेंज, ये कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। एक इसी तरह शेयर्स में दूसरा टर्म आता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या हुआ, जैसे कंपनी आपकी शुरू हो गई, आपके शेयर्स मार्केट में आ गए, तब किसी टाइम पे उस किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस शेयर की वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो उसको हम लोग मार्केट वैल्यू बोलते हैं। जैसे आपके पास 10 रुपीज़ का शेयर है, आज आपने खरीदा 10 रुपीज़ का शेयर, डे वन पे आपने 10 रुपीज़ का शेयर खरीदा, फिर आप देख रहे हैं डे फिफ्थ पे उसका प्राइस 12 रुपीज़ हो गया, तो ये 12 रुपीज़ क्या है, ये आपका मार्केट वैल्यू हो गया पर्टिकुलर डे पे, ठीक है। और ये हमेशा मार्केट वैल्यू हमेशा कभी डिक्रीज हो जाएगी, कभी इंक्रीज हो जाएगी, ये कुछ भी हो सकती है, कभी बढ़ना है कभी घटना है। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, तो कभी उनको नुकसान होता है, तो कभी उनको लाखों रुपए का फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह ये मार्केट वैल्यू जो होती है, इसको 3 अलग अलग टर्म में देखते हैं। होता है मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर कैन बी समटाइम्स लेस, समटाइम्स मोर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी और द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनती हैं कि जब हमारा नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर हो जाता है, मतलब पहले 10 शेयर का दाम 10 रुपये था, आज भी शेयर का दाम 10 रुपये, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि बराबर हो गया, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एट पार। इस तरह दूसरा होता है कि जब हमारा नॉमिनल वैल्यू लेस देन हो जाता है मार्केट वैल्यू, मतलब आज जब हमने 10 रुपये का शेयर खरीदा था, आज वो 20 रुपये का हो गया है, दाम बढ़ गया, दुगना हो गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं
एबव पार और एट अ प्रीमियम। ठीक है, एक हमारी थर्ड कंडीशन बनती है कि जब हमारा नॉमिनल वैल्यू ग्रेटर हो जाता है मार्केट वैल्यू से, मतलब कंपनी नुकसान में जा रही है, उसको घाटा हो रहा है, तो उसकी मार्केट वैल्यू उस शेयर की कम हो गई, पहले 10 रुपये थी, आज 7 रुपये हो गई, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 रुपये का हमको नुकसान हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बिलो पार। और एक दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं, और एट अ डिस्काउंट। बस यही शेयर्स में यही इतने ही चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत होती है कि नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, जो कि फ़िक्स होती है, कंपनी जो अपने इनिशियल शेयर का रेट रखता है और जो हमेशा फ़िक्स रहता है वो नॉमिनल वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू होती है जो कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से मार्केट में घटती बढ़ती रहती है, और इसी के बेस पे 3 कंडीशंस आती है कि मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के बराबर है कि उससे ज़्यादा है कि उससे कम है, और इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं, बस सीधे फॉर्मूला बेस पे ही रहते हैं, थोड़े बहुत कैलकुलेशंस रहते हैं। अब हमारे पास आता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? ये डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी इज कॉल्ड अ डिविडेंड। बहुत सिंपल है, एक कंपनी को मान लीजिए 10 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, अब वो जो शेयर होल्डर है, मैंने शेयर खरीदे, मैंने 10 शेयर खरीदे हैं, ठीक है, अब मुझे कंपनी पर शेयर 100 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रही है, अब मैंने चूँकि 10 शेयर खरीदे हैं तो 10 × 100 तो मुझे 1000 रुपीज़ का कंपनी डिविडेंड देगी, और डिविडेंड हमें तभी मिलता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी प्रॉफिट में जाती है तब हमें डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड कभी भी मार्केट वैल्यू पे डिपेंड होकर नहीं मिलता है, उसकी जो नॉमिनल वैल्यू होती है उसी पे डिविडेंड मिलता है, और डिविडेंड हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में मिलता है, और ये कंपनी तय करती है कि उसको कितने परसेंट पे डिविडेंड देना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डिविडेंड क्या होता है, जो प्रॉफिट शेयर होल्डर गेट्स फ्रॉम दी कंपनी इज डिविडेंड। इसमें दो टर्म है, डिविडेंड मार्केट पे डिपेंड नहीं करता है, डिविडेंड डजंट डिपेंड ऑन मार्केट, एंड सेकंड डिविडेंड ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मतलब फिक्स वैल्यू जो थी उसकी, मार्केट वैल्यू नहीं। तो ये दो टर्म्स हैं, शेयर्स एंड डिविडेंड। चलिए इसके बहुत इजी फॉर्मूले हैं, उनको देखते हैं कि वो क्या हैं फॉर्मूले। अब हमको देखना है, हमने कुछ शेयर्स खरीद लिए हैं, हमें पता है कि एक शेयर का प्राइस कितना है, तो हमने कितना मनी इन्वेस्ट किया है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितना सम इन्वेस्ट किया हमने, तो एक क्वेश्चन रहता है जिस पे बेस सम इन्वेस्टेड, तो नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। अगर हमने पता है हमने 10 शेयर खरीदे हैं, एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो हमने कितना सम इन्वेस्ट किया, 10 × 10 इक्वल टू 100। फिर भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है कि अगर हमें मनी निकालना है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ पूछी जाती है कि हमने कितने शेयर खरीदे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट ये अगर पता करना है, अगर हमें पता है कि हमने कितना इन्वेस्ट किया है पैसा, सम इन्वेस्टेड
डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। अगर हमने टोटल 1000 रुपये लगाए हैं और एक की कीमत 10 रुपये है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमने शेयर खरीदा है। यहाँ से हमने 100 शेयर खरीदे हैं, ये पता चल जाएगा। और इसको नंबर ऑफ शेयर्स को एक दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इक्वल टू, हमें जो कंपनी डिविडेंड देती है वो पर शेयर के हिसाब से देती है। तो अगर हमें पता है कि टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड, सॉरी डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन वन शेयर, एक शेयर पे कितना मिला है और टोटल कितना मिला है, तो इसे हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे रख के निकाल लेंगे। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इज इक्वल टू टोटल इनकम, मतलब प्रॉफिट यहाँ पे है, और इनकम प्रॉफिट ऑन वन शेयर। एक चीज और पूछी जाती है, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम इज सेम एज टोटल डिविडेंड अर्न, मतलब हमें डिविडेंड से कितना पैसा डिविडेंड के रूप में हमें मिला है। तो ये हो जाता है नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड, ये कंपनी अपना फिक्स करती है कि उसको कितने रेट पे डिविडेंड देना है, इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर, मतलब फिक्स रेट जो है उसका शेयर का स्टार्टिंग। इसी तरह एक और पूछा जाता है कि परसेंटेज इनकम कितनी होती है, रिटर्न कितना मिला हमें, रिटर्न परसेंटेज कितना है। तो ये इज इक्वल टू इनकम प्रॉफिट, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज सेम होता है कि इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, हमें कितनी इनकम हुई, हमने कितना इन्वेस्ट किया था, कितना पैसा। सिंपल सब फॉर्मूले हैं। फिर एक और चीज पूछी जाती है शेयर होल्डर के लिए, तो शेयर होल्डर इनकम इज इक्वल टू रिटर्न इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये तीनों टर्म एक ही रहते हैं, इज इक्वल टू डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, पेड बाय कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको इतना कुछ समझ में आया होगा शेयर एंड डिविडेंड्स के बारे में, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, वो कब चेंज होती है, कब फिक्स रहती है, डिविडेंड क्या होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, हमें सम इन्वेस्ट के लिए फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर्स हम कितने खरीद रहे हैं, हमारी एनुअल इनकम कितनी हो रही है अगर हम कोई शेयर खरीद रहे हैं, हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। क्वेश्चंस लगाते हैं इसके शेयर्स एंड डिविडेंड्स के, तो इसमें चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय अ 400 रुपीज़ 12.50 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, शेयर की नॉमिनल वैल्यू दी हुई है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 क्या मतलब है कि कंपनी को फ़ायदा हुआ है और इस समय उसका मार्केट रेट जो है वो +1 हो गया है उसमें, तो यहाँ पे
एक मिनट पहले एक्सरसाइज लिख देते हैं। एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 1, तो क्या है नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 400। हमें मार्केट वैल्यू देखनी है कि मार्केट रेट दिया हुआ, रेट ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 12.5 और तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू ₹1 प्रीमियम ये हमें दिया है। इसका मतलब हुआ कि 12.50 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ हमारा 13.50। मार्केट वैल्यू शेयर की हो गई 13.50। सिंपल इन्वेस्टमेंट देखना है कि कितना पैसा लगाया है। तो हमने फॉर्मूला देखे, पहले लिखा था सम इन्वेस्टेड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। क्या हो गया, शेयर हमने खरीदे थे 400, मार्केट वैल्यू है 13.50। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा इतने रुपए उसने टोटल इन्वेस्ट किया। देखिए सीधे क्वेश्चन सीधे फॉर्मूला पे बेस्ड था, यही हमारा आंसर हो गया कि उसको 5400 चाहिए इतने शेयर खरीदने के लिए। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 250 rupees 15 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 1.50। एट अ डिस्काउंट ऑफ 1.50 क्या मतलब हुआ कि जो शेयर की वैल्यू थी, नॉमिनल वैल्यू थी, उसकी कम हो गई 1.5 रुपये। एट अ डिस्काउंट का मतलब लॉस हो गया कंपनी को, तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें सेम निकालना है कि कितना इन्वेस्टमेंट उसको करना पड़ेगा शेयर खरीदने के लिए। तो यहाँ पे भी क्या दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 250। मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू एट ₹15 एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1.50। मार्केट वैल्यू क्या हुई, ₹15 माइनस ₹1.50, तो ये हो गया ₹15 माइनस करेंगे तो 13.50। अब द अमाउंट इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। पता है नंबर ऑफ शेयर हमारे 250 है, मार्केट वैल्यू है 13.50। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 3375 rupees चाहिए खरीदने के लिए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग लाइन से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं।
अ पर्सन बायस 120 शेयर्स एट अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 40 ईच. ठीक है, नॉमिनल वैल्यू दी हुई है हमें, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, विच ही सेल्स एट रुपीज 42.50 ईच. उसको बेच रहा है तो 42 रुपीज 50 पैसे में बेच रहा है. फाइंड हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट. ठीक है, हमें प्रॉफिट देखना है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ खरीदने और बेचने के बीच में, जितने पे खरीदा और जितने पे बेचा. तो ठीक है, हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पता हैं, बुक को साइड में रखते हैं. यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता है, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 120 है. नॉमिनल वैल्यू पता है, नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू रुपीज 40. प्रॉफिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, प्रॉफिट एट ईच शेयर. उसने 40 में खरीदा है और 42.50 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट निकाल लेंगे. 42.50 माइनस 42, तो उसे 2.5 का पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड हिज प्रॉफिट. तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा, एक शेयर पे प्रॉफिट उसको 2.50 का हो रहा है, उसके पे शेयर हैं 120, तो मल्टीप्लाई बाय 2.50. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 300. उसको 300 का सिर्फ खरीदने और बेचने के बीच में प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, एक चीज़ तो प्रॉफिट जो क्वेश्चन में पूछा था, एक आंसर आपको ये मिल गया. अब दूसरा वो पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है. तो यहाँ पे हम पहले निकाल लेंगे कि टोटल इतने शेयर, 120 शेयर खरीदने में उसके कितने पैसे लगे. तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इक्वल टू हो जाएगा 40 का था और 120 उसने शेयर खरीदे थे, तो ये हमारा हो जाएगा 4800. इतना पैसा उसने लगाया. और परसेंट का फॉर्मूला में पता है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, इनकम डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट इनटू 100%. ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे. तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट और दूसरा टर्म इसका इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100%. तो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, प्रॉफिट हमें 300 का हुआ है, हमने पैसे इसमें लगाए थे 4800 इंटू 100%, ये कैंसिल हो गए. तो 300/48 इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रखने का डिवाइड करते हैं 300/6 से करते हैं 2 times जाएगा 96. यहाँ पे आएगा आपका 24 0, ये 5 times जाएगा. तो हमारा ये आया 6.25%. उसको 6.2% का प्रॉफिट हुआ और यही हमारा आंसर हो गया जो क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 85 शेयर्स ऑफ रुपीज 60 ईच व्हेन कोटेड एट रुपीज 63.25। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या पता है, नंबर ऑफ शेयर्स पता है, मार्केट वैल्यू हमें पता है कि कितने, कोटेड मीन्स हुआ मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 85, मार्केट वैल्यू हमें पता है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू 63.25। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू वन शेयर। टोटल कॉस्ट सेम एज सम इन्वेस्टेड, तो फॉर्मूला वही वाला लगा है, शेयर्स हमें पता है कितने हैं, 85 हैं और मार्केट वैल्यू है 63.25। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट करके आप देखिए कितना आता है, तो ये आएगा 5376.25। हमें पता चल गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ 85 शेयर्स कितना हो रहा है। यहाँ पे रुपीज 60 जो दिया हुआ है उसकी नॉमिनल वैल्यू दी हुई है, जिसका हमें कोई मतलब नहीं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो थी हमने उस पर शेयर खरीदा, तो ये सिर्फ रुपीज 60 कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एनुअल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम 125 रुपीस 120 शेयर्स पेइंग 5% डिविडेंड। इस क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, इसमें हमें पता करना है कि उसकी एनुअल इनकम कितनी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या पता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड दिया हुआ है 125 एट 120, इसमें 5% डिविडेंड हमको मिल रहा है, शेयर्स पेइंग 5% डिविडेंड। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे कि हमारा कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है, तो अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू 125 इंटू 120 रेट है हमारा 120, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 125 शेयर्स के साथ, तो हमें टोटल अमाउंट पता चल जाएगा कि हमने कितना रुपए इसमें इन्वेस्ट किया है। तो इसको कैलकुलेट करने पे 15,000 रुपीज़ हमने इन शेयर्स को खरीदने में लगाई है। तो हमें अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एनुअल इनकम, इसको करने में उसको कितनी एनुअल इनकम हुई है। तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला हमें पता है, एनुअल इनकम इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू डिविडेंड भी हमको पता है, यहाँ पे 5% का डिविडेंड मिल रहा है, अमाउंट इन्वेस्टेड हमने निकाल लिया है रुपीज 15,000, डिविडेंड का इंटरेस्ट है, डिविडेंड का रेट है 5%, तो 5/100 को हमने कैंसिल किया, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 7/100
750, तो उसको टोटल इनकम हुई है इन शेयर्स को परचेज करने में ₹750 की। ये बहुत इजी था, सिंपल फार्मूला ही लगा, एनुअल इनकम इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू डिविडेंड। अमाउंट इन्वेस्टमेंट हमने निकाले नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ द वन शेयर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख सॉल्व करते हैं। पहले उसको पढ़ते हैं कि वो क्या पूछ रहा है। 7 क्वेश्चन नंबर 7 है, अ मैन इन्वेस्ट ₹3072 इन अ कंपनी पेइंग 5% पर एनम व्हेन इट्स ₹10 शेयर कैन बी बॉट फॉर 16 ईच। फाइंड हिज एनुअल इनकम एंड सेकंड वन इज हिज परसेंटेज इनकम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। उसकी टोटल इनकम कितनी है और जो इनकम उसने की है कितना परसेंटेज इनकम हुआ है, परसेंट हमें निकालना है इन्वेस्टमेंट का। तो बहुत इजी है, पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमें मिला हुआ है, क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है इसमें, टोटल इन्वेस्टमेंट 3072 रुपीस का है। यहाँ पे हमें मार्केट वैल्यू पता है, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर्स इक्वल टू कितनी दी हुई है, 16 दी हुई है। तो हमें पता है हमने कितना पैसा इसमें लगाया और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हम पता कर सकते हैं इससे कितना है। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू 3072 अपॉन 16। इसको हम डिवाइड करके निकालेंगे, रफ में डिवाइड करते हैं 3072 16 minus 14 7 16 9 5 144 3 32 16 2 32। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आए 192। इसका आगे कैलकुलेशन में यूज़ पड़ेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है इसकी ₹10 की नॉमिनल वैल्यू है शेयर की, नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर ₹10। तो जब वन शेयर की वैल्यू 10 है तो 192 शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी, हम ये पता कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ 192 शेयर्स इक्वल टू 192 इंटू 10 इक्वल टू 1920। यहाँ पे हमको दिया हुआ रेट ऑफ डिविडेंड दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू 5%। तो सीधे फॉर्मूले में पुट कर देंगे एनुअल इनकम इज इक्वल टू एन अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। अमाउंट इन्वेस्टेड यहाँ पे हमने ये निकाला है 1920, रेट ऑफ डिविडेंड ये है 5% इनटू 5 बाई
100। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल करेंगे, ये 2 से जाएगा, इसकी वैल्यू आई 96। तो ये हमारा एनुअल इनकम हुआ 96 रुपीज़ का। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट पूछ रहा है इस परसेंटेज इनकम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, उसका कितना परसेंटेज इनकम हुआ है उसके इन्वेस्टमेंट पे। तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज इनकम का, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। तो हमारा इनकम यहाँ से ये पता चला है 96 है, इनटू 100 अपॉन इन्वेस्टमेंट कितना था 1920। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा था यहाँ पे 3072 का, 3072। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे परसेंट 98 3072, तो इसको कैलकुलेट करने पे आंसर आएगा 3125%। ये हमारा हो गया परसेंटेज इनकम ऑन द इन्वेस्टमेंट। देखिए ये आंसर आपका हो गया। बहुत इजी है, सिंपल फॉर्मूले पे वैल्यू रखनी है, बस करेक्ट वैल्यू रखनी है और आपको सही आंसर मिल जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ए पर्सन इन्वेस्ट रुपीज 7770 इन अ कंपनी पेइंग 5% डिविडेंड व्हेन अ शेयर ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 100 सेल्स एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 5। फाइंड, यहाँ पे तीन चीज़ पता कर दी, द नंबर ऑफ शेयर्स, उसने कितने शेयर खरीदे, कितनी उसकी एनुअल इनकम है और परसेंटेज इनकम क्या है। तो पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 7770 रुपीस का है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर दी हुई है 100, मार्केट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, मार्केट वैल्यू है रुपीज़ 100 सेल्स एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 5, मतलब कंपनी प्रॉफिट में हुई है और उसके शेयर का दाम बढ़ गया है 5 रुपये। तो पहले नॉमिनल वैल्यू उसकी 100 थी, तो अब 5 रुपये बढ़ गई है, प्लस 5 हो जाएगा 100 में, तो 105 रुपीज़ की मार्केट वैल्यू है। अब यहाँ पे हमें पहले निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है नंबर, हमने कितना इन्वेस्ट किया है, हमने इतना इन्वेस्ट किया है, एक शेयर की वैल्यू इतनी है। तो हम सीधे फॉर्मूला में रख के इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इसमें रख देंगे 7770 अपॉन 105। इसको डिवाइड रफ में डिवाइड किया 7775 7 में से 3 गया, 7 में से 5 गया 2, 7 से 3 गया 4 0। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 20 4 1 4, तो यहाँ पे 74। तो उसने 7770 रुपीज़ खर्च करके 74 शेयर्स खरीदे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, एनुअल
इनकम उसकी कितनी हुई। तो एनुअल इनकम पता है, टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट में हमारा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 74 है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर है तो नॉमिनल वैल्यू इसकी है 100, पर रेट ऑफ डिविडेंड है इसमें 5/100। तो ये कैलकुलेट होके 7400 इंटू 5/100 है, ये कैंसिल हो गया, इसको कैलकुलेट करने पे 370। ये हमारा एनुअल इनकम है। एनुअल इनकम हमेशा ही नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर पे निकलती है। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग मैंने इस वाली वैल्यू को डाला था जो कि मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर थी, तो वो गलत हो गया। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा एनुअल इनकम जब भी निकालें तो उसमें हमेशा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर डालेंगे। चलिए अब इसमें क्वेश्चन में थर्ड पार्ट पूछ रहा है, परसेंटेज इनकम थर्ड पार्ट है, परसेंटेज इनकम। परसेंटेज इनकम का फॉर्मूला सीधे फॉर्मूले में ही रख देंगे, वो होता है हमारा इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। तो इनकम हमारी यहाँ पे हुई है 370 की, ऊपर हमने निकाला है, हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ था, टोटल इन्वेस्टमेंट है 7770 इंटू 100%। ये हमारा 370 10 ही कैंसिल हुआ है, तो परसेंट इसको कैलकुलेट करने पे हमारा आएगा 4.76। हम लोग डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर ले रहे हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया 4.76। ये हमारा तीन पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा था, तो हमने तीन निकाले, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 74 हो गए, एनुअल इनकम हमारी 370 होगी जो नॉमिनल वैल्यू पे है, परसेंटेज इनकम हमारी होगी 4.76%। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, ए मैन बायस 50 शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 फाइन। यहाँ पे क्या क्या चीज़ दी हुई है, मार्केट वैल्यू हमें निकालनी है, हमें नंबर ऑफ शेयर्स भी दिए हुए हैं, इसे फर्स्ट पार्ट में मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स निकालने हैं, इस एनुअल इनकम निकालनी है और उसका प्रॉफिट का परसेंट निकालना है। तो चलिए पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू दी हुई है, नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू 50, तो हम लोग मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे, मार्केट वैल्यू क्योंकि एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 है, तो मतलब ₹10 का उसका प्रॉफिट हुआ है, तो अब इसका कॉस्ट हो जाएगा शेयर का 50 प्लस 10 इक्वल टू 60।
अब यहाँ पूछ रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स कितने हुए, एक शेयर की वैल्यू इतनी है तो 320 शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी, इसलिए मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स इज इक्वल टू 320 इंटू 60 इंटू 00 रुपीज। यहाँ पे ये वन शेयर रुपीज 19200 मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। फिर सेकंड पूछ रहा है हिज एनुअल इनकम, पता करनी है कि कितनी है। अब यहाँ पे हम फिर एनुअल इनकम का फॉर्मूला आपको याद होगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ डिविडेंड। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे हैं 320, क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट पार्ट में ही दिया, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर दिया हुआ है, मैन बाइज रुपीज 50 शेयर्स ऑफ, तो नॉमिनल वैल्यू है हमारी 50, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है 12% इंटू 12 बाय 100, जीरो कैंसिल किया, ये सॉल्व हो गया 3 इंटू 5 इंटू 12 तो 32 इंटू 60, 12 जीरो 6 2 12 वन, 6 3 18 वन 19 320। यहाँ पे इसकी एनुअल इनकम हुई 920 रुपीस की। ये हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया, देखिए सीधे फॉर्मूले पर रखे हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर यहाँ पे पुट किया है, मार्केट वैल्यू नहीं किया, मार्केट वैल्यू करते तो उसकी वैल्यू 60 रुपीस होती, हमारा नॉमिनल वैल्यू है यहाँ पे 50 रुपीस। अब थर्ड पार्ट करते हैं, इस प्रॉफिट परसेंट कितना है, थर्ड पार्ट प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे पूछ रहा है कितना है, वो कैसे निकालेंगे, वो सीधे फॉर्मूले में रख देंगे, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। तो हमारी इनकम कितनी हुई, 1920, ये अभी हमने लास्ट यहाँ पे निकाला था एनुअल इनकम 1920 अपॉन इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया, इन्वेस्टमेंट हमें 19200 किया, 19200 इंटू 100 10% का प्रॉफिट हुआ है हमको। चलिए ये क्वेश्चन हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ए मैन बाय रुपीज 75 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 5 ऑफ ए कंपनी पेइंग 20% डिविडेंड, यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है 20%, मार्केट वैल्यू हमें निकालनी है, इसमें डिस्काउंट ऑफ है तो इसका मतलब कि कंपनी को लॉस हुआ है, उसके शेयर की कीमत अब घट गई है, पहले 75 रुपीज़ थी अब 15 रुपये घट गई है, तो 75 माइनस 15 60 रुपीज़ अब उसके शेयर की वैल्यू हो गई है। तो यहाँ पे अब हमें तीन चीज़ निकालनी है, द मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर्स एंड द एनुअल इनकम एंड थर्ड वन इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो पहले हम लोग लिखते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ पता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको मालूम है नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू 75, सो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू 75 माइनस 15
क्योंकि यहाँ पे एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹15 है, तो यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमें मार्केट वैल्यू आपकी शेयर की हो गई अब ₹60। यहाँ पे पूछ रहा है अब मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर, हमें एक शेयर की वैल्यू मार्केट वैल्यू पता चल गई है 60 है, तो 120 शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी। सो मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर्स इज इक्वल टू 120 × 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 = 12, 1 × 6 = 6, 1 तो मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर्स हो गया ₹7,200। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट पूछ रहा है एनुअल इनकम कितनी है, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम का फॉर्मूला सेम वही, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 120। नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर है 75, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है आपको 20% का, तो 20/100 इसको सॉल्व करेंगे। ये कैलकुलेट होके आएगा ₹1,800। तो उसको एनुअल इनकम हुई ₹1,800 की। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट पूछ रहा है हिज प्रॉफिट परसेंट कितना है। प्रॉफिट परसेंट का आपको फॉर्मूला पता है, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट × 100%। तो इनकम अभी हमने निकाली ₹1,800 की, हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था जो हमने पहले निकाला था मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर्स की 7,200, ये हमने इन्वेस्टमेंट किया, इसी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 7,200 × 100%। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आएगा, 4 को इससे कट करेंगे 25% का उसको प्रॉफिट हुआ है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ए मैन हैज ₹300 50 शेयर्स ऑफ ए कंपनी पेइंग 20% डिविडेंड, फाइंड हिज नेट इनकम आफ्टर पेइंग 3% ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ पे जो उसकी इनकम हो रही है उस पे 3% का इनकम टैक्स भी काटा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए मैन हैज 300 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 350 शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 20% डिविडेंड। तो हम यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर यहाँ पे दी हुई है ₹50, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 300 शेयर्स हम लोग निकालेंगे, तो 300 × 50 तो कितना हो गया, ₹15,000 हो गया। ये इतनी नॉमिनल वैल्यू हो गई। रेट ऑफ डिविडेंड हमको दिया हुआ है 20%, रेट ऑफ
डिविडेंड 20%। तो हम पहले यहाँ पे निकाल लेंगे कि एनुअल इनकम क्या हुई है, हो रही है उसकी। तो एनुअल इनकम इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। टोटल इन्वेस्टमेंट हमने देख निकाल लिया यहाँ पे 15,000 इनटू रेट ऑफ डिविडेंड 20%। तो यहाँ पे ये कैंसिल किया तो ये हमारा आया 3,000 रुपीस। 3,000 का टोटल इन्वेस्ट एनुअल इनकम हुई है। अब इस पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो इनकम हुई है उस पे 3% का इनकम टैक्स काट लिया है। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया है, टैक्स इज इक्वल टू 3%। 3% मतलब क्या हुआ, 100 पे 3 रुपए उसने काट लिया। तो हमारी इनकम है 3,000 की, तो टोटल टैक्स यहाँ पे कितना होगा, 3,000 पे हम लोग निकाल लेंगे 3,000 × 3/100 कैंसिल किया तो 90 रुपीस का टैक्स कटा। तो टोटल नेट इनकम कितनी है, नेट इनकम टैक्स कटने के बाद मतलब इक्वल टू एनुअल इनकम माइनस टोटल टैक्स। एनुअल इनकम हमारी थी 3,000 रुपीस, तो 3,000 माइनस टोटल टैक्स हमने ये निकाला 90 रुपीस, तो ये हो गया, माइनस करेंगे तो 2,910। तो टैक्स काटने के बाद उस पर्सन की एनुअल इनकम होगी 2,910। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। ए कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹50% ऑन इट्स 10 रुपीज शेयर फ्रॉम विच इट डिटेक्ट्स इनकम टैक्स एट अ रेट ऑफ 22%। यहाँ पे देखिए फिर से इनकम टैक्स काटा है और रेट ऑफ डिविडेंड हमें दिया हुआ है 15%। शेयर की वैल्यू दी हुई है 10 रुपी, इनकम टैक्स काटने का रेट दिया हुआ है 22%। Now find the annual income of a man who owns 1,000 shares of this company. Number of shares भी दिए हुए हैं, तो हम लोग पहले लिखते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें दी हुई है। Number of shares is equal to 1,000। Face value दी हुई है यहाँ पे 10 रुपीज़ है, ये 10 रुपीज़ शेयर्स है। फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इक्वल टू ₹10। रेट ऑफ डिविडेंड है, ₹15%। और रेट ऑफ इनकम टैक्स है 22%। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1,000 शेयर निकालेंगे। 1 शेयर की वैल्यू पता है ₹10, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1,000 शेयर्स सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे जाएगा, तो 1,000 × 10 इक्वल टू 10,000 रुपीस वैल्यू हो गया। अब हमें निकालना है कि हमारी एनुअल इनकम कितनी हुई है इस पे, जो इतना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है उस पे एनुअल इनकम कितनी हुई है, डिविडेंड कितना मिला है। तो ₹10,000 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड 15% है, 1,500। ये हमारा एनुअल इनकम हुआ है।
जी, ये एनुअल इनकम हुआ है इसके ऊपर 22% टैक्स काट लिया है। तो इनकम टैक्स डिडक्शन इक्वल टू 1 rupees 1500 इक्वल टू 1500 इंटू 22/100 कैंसिल हो, 15 2 30 33 330 यहाँ पे 1500 रुपये पे 330 रुपये में टैक्स काट लिया। तो नेट इनकम हुई उसकी, एनुअल इनकम माइनस टैक्स डिडक्शन, दोनों वैल्यू हमें पता है, 1500 माइनस ₹330 माइनस करेंगे नेट इनकम पर्सन की हुई 1170 रुपीस की। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ मैन इन्वेस्ट ₹8,800 इन बाइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इफ ही अर्न्स ₹1,200 एट द एंड ऑफ द ईयर एज डिविडेंड, देन फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज इन द कंपनी एंड द डिविडेंड परसेंट पर शेयर। जी देखिए, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया हुआ है कि उसने कितना पैसा लगाया, उसने 8,800 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। फेस वैल्यू ऑफ शेयर की दी हुई है, वो है 100 रुपीज़। लेकिन मार्केट वैल्यू क्या होगी, उसको 10% के प्रीमियम पे है, मतलब 100 का 10% 10 रुपीज़ हुआ। तो मार्केट वैल्यू क्या हुई, 100 प्लस 10 110। ठीक है, तो हम लोग चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ₹8,800 नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू ₹100, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू 100 प्लस 10 इक्वल टू ₹110। अब यहाँ पे पहले सबसे पहले पार्ट में पूछ रहा है द नंबर ऑफ शेयर ही है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स देखने कितने हैं उसके पास। तो सिंपल है, सिंपल फॉर्मूले में रख देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपॉन वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 8,800 बाई 110 कैंसिल करेंगे तो उसके पास है 80 शेयर्स, उसने 80 शेयर्स खरीदे हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, 80 शेयर्स। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है डिविडेंड परसेंट पर शेयर, सेकेंड पार्ट है डिविडेंड परसेंट निकालना है, कितना उसको डिविडेंड परसेंटेज डिविडेंड मिल रहा है ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या है, अब यहाँ पे हम पहले फेस वैल्यू ऑफ 80 शेयर्स की निकालेंगे कितनी हुई, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 80 शेयर्स इक्वल टू 80 × 100। नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर थी 100, तो 80 शेयर्स की 80 × 100, तो ये हो जाएगा 8,000 रुपीज़।
अब यहाँ पे हमें पता चल गया टोटल डिविडेंड निकालना है कितना है, टोटल डिविडेंड या एनुअल इनकम एक ही चीज़ है, दो डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं। तो 8000 इंटू कितना दिया हुआ है, 8% कटवाना पड़ेगा। ये 8000 गलत लिखती है ना, कहाँ पे डेट ऑफ डिविडेंड होता है ना, कट बुक कर दो पूरा लाइन कर दे, नहीं नहीं रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है। और तो सही तो है, इतना परसेंट 8000 सुखी सही है, सही रुके सही लिख रहे हैं 8000 टू रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है, तो रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड बाय 8000 हो जाएगा। हाँ ठीक है, अभी तुम बोला ये सब मैं काटूंगा जितने भी तुम बोला भवन, वो तुमने पी तो पी पे फिर से पेन चलाना बोलना, सो इनटू पी इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड टोटल डिविडेंड हमें पता है कितना मिला है 12000 तो 1200 इज इक्वल टू 8000 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू 1200 अपॉन 8000 इंटू 100 कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 15%, तो रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे 15% है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। A man invests rupees 1680 in buying shares of a nominal value rupees 24 and selling at 12% premium. यहाँ पे nominal value दी हुई है, इसके help से हम लोग market value निकाल लेंगे। Total invested amount दिया हुआ है